जिंदगी है तो चुनौतियां हैं, और चुनौतियां हैं तो इसका मतलब है हम जिंदा हैं। जिंदा रहना और जीना दोनों में फर्क है। जीते हैं तो हम मजबूरी में जीते हैं, और जिंदा हैं तो हम बेहतर होने का प्रयास करते हैं। टू बी अलाइव एंड टू लीव, देयर इज अ हेल अमाउंट ऑफ डिफरेंस विद दीज टू थिंग्स। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो जिंदगी जीते हैं, हालातों से गुजरते हुए एक यात्री की तरह मुसीबतों को झेलते हुए जीते हैं, और कुछ लोग जीते हुए भी वो जिंदा है। और जीते हुए जिंदा रहने का मतलब है कि अपने आप को बेहतर करने का अवसरों को ढूंढना, तलाशना और उस पे खरे उतरना। चुनौतियां इसलिए हैं क्योंकि आप बेहतर होने के प्रयास कर रहे हैं, और बेहतर होने का मतलब है कि वर्तमान स्तर जो आपके हैं उससे थोड़ा सा ज्यादा होना, क्योंकि आप जो स्तर देख रहे हैं आने वाले कल में, वहां पहुंचने के लिए आपको कुछ और दक्षता, काबिलियत और हौसले की जरूरत है। चुनौतियों का सामना करना, यह तो आप तो सुना होगा, लेकिन मेरा सोच कुछ अलग है। चुनौतियों का सामना तो हम मजबूरी में भी कर सकते हैं। दुश्मन दरवाजे पे खड़ा हुआ है और आप को बचने का कोई और रास्ता नहीं, और आप चुनौती का सामना करते हैं। मैं आज एक नया गुरु मंत्र की बात करने आया हूं। मैं कहता हूं कि चुनौतियों का सामना ना करें, चुनौती को चुनौती देना। चुनौती को चुनौती जब आप देते हैं तब आप बेहतर होने लगते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने चुनौतियों के बारे में और चुनौतियों को देखने के बारे में कुछ अलग ही कहा था। उन्होंने कहा कि चुनौतियों को लोग मुसीबत के रूप में देखते हैं, और उन्होंने कहा कि मुसीबतें आपको तोड़ने के लिए नहीं आता, मुसीबतें आपके अंदर छुपा हुआ उस ताकत को और काबिलियत को निखारने आते हैं, और इसीलिए मुसीबतों के लिए मुसीबत बन जाओ। डिफिकल्टीज डोंट कम टू ब्रेक यू, डिफिकल्टीज कम टू यू टू अनवेल द पावर एंड एबिलिटीज एंड पोटेंशियल विद इन यू। सो बी डिफिकल्ट फॉर डिफिकल्टीज। एक स्कूल के क्लासरूम में एक टीचर ने अपने स्टूडेंट्स को, छोटे छोटे बच्चों को कहा कि लिस्ट डाउन द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, और उन्होंने 7 वंडर्स इन द वर्ल्ड लिखने लग गए। सभी बच्चों ने खड़े होकर अपने लिस्ट में उन वंडर्स के बारे में बताने लगा, ताजमहल, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। लेकिन क्लासरूम के सबसे आखिरी बेंच में एक छोटी सी बच्ची बैठी हुई थी, एंड शी वॉज हेजिटेटिंग टू कम अप विद हर ओन लिस्ट। सो टीचर उन तक गए और उनसे पूछा कि तुमने क्या लिखा। तो विद ग्रेट हेजिटेशन शी रेड आउट। उन्होंने कहा कि 7 वंडर्स नहीं है, लेकिन मैंने 5 वंडर्स के बारे में लिखा, और उन्होंने लिखा कि आई कैन स्मेल, आई कैन टेस्ट, आई कैन टच, आई कैन हियर एंड आई कैन सी द 5 सेंसेस विच वी पोसेस इन अवर लाइफ आर द 5 वंडर्स इन अवर लाइफ। चुनौतियों को चुनौती देना है, इन 5 इंद्रियों पे काम करना होगा, क्योंकि यही आपका संसाधन है। क्योंकि जब मैं अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में चुनौतियों की बात करते हैं तो लोग मुझे कहते हैं कि हम तो साधारण हैं, हम गरीब हैं, आई एम जस्ट मिडिल रंग एम्प्लॉय और एन एम्प्लॉय एट द लोवेस्ट रंग, माय बॉसेस एंड माय मैनेजमेंट इज मच मोर पावरफुल देन मी, वी डोंट हैव द सैलरी टू एक्सप्लोर द ड्रीम्स वी हैव। मैं कहता हूं कि योर 5 सेंसेस इज द बिगेस्ट रिसोर्सेस यू हैव इन अवर लाइफ। 5 संसाधनों पर जो काम करते हैं वो वर्तमान में जीते हैं, और जो वर्तमान में जीते हैं वो भूतकाल से सीखते हैं और भविष्यकाल की तैयारी वर्तमान में करते हैं।
The presence of mind is much more when you work upon these five senses. एक और कहानी आपको बताता हूं, चुनौती को चुनौती देने की कहानी। जंगल में दो दोस्त लोग निकल गए घूमने रोज की तरह। अचानक एक दोस्त ने झाड़ियों के बीच में पीछे एक शेर को देखा और शेर को देख के घबरा गया और धीरे से अपने दूसरे दोस्त को कहा कि मरने के लिए तैयार हो जाओ, आज तो बचेंगे नहीं, क्योंकि उस झाड़ियों के पीछे एक शेर छुपा हुआ है। और जैसे ही सुनते हैं, दूसरा दोस्त ने झुका, अपने एक पैर पे बैठा और अपने दोनों पैरों के जूतों को के लेस को टाइट करके बांधने लगा। तो घबराया हुआ दोस्त ने उससे पूछा कि तुम अपने आप को माहिर समझते हो कि तुम उस शेर से तेज दौड़ सकते? तो मुस्कुराते हुए डर कर दौड़ते हुए दूसरे दोस्त ने कहा, बोलते नहीं, ऐसा कोई गलतफहमी नहीं है मेरा कि मैं उस शेर से ज्यादा तेज दौड़ सकता हूं, लेकिन हां, आज इस वक्त इस क्षण अगर मैं तुमसे ज्यादा तेज दौड़ू तब भी मैं बच सकता हूं। चुनौतियों का चुनौती देने के लिए कई बार बहुत बड़े संसाधन की जरूरत नहीं है। आपके पास मौजूद उन पांच संसाधनों का, पांच इंद्रियों का, द सेंस ऑर्गन्स का सही इस्तेमाल करना, सही समय पर सही फैसलों के साथ, यही आपको काबिल बनाते हैं। हम क्या नहीं कर सकते हैं उस पर नहीं, हम क्या कर सकते हैं उस पर अगर आप गौर करेंगे, यू विल बी एबल टू चैलेंज द चैलेंजेस। मिलते हैं फिर एक और विचार के साथ। उम्मीद है कि मैं और आप अपने इन पांच संशोधनों पर काम करेंगे और जब भी अगले बार हम मिलेंगे तो चुनौतियों को चुनौती सामना करने वाले बनकर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, खुदा हाफिज़, नमस्ते।